एक नौसखियापन दिस रहा। इन्हें नौसखिया अंदाज दस जनपद च बैठी हुई इटली की बेटी नूं खुश करन वास्ते जिहड़े हाथ 1984 दे सिख कतलोगार च रंगे हुए ने उन्हूं खुश करन वास्ते वह गांधी परिवार जिन्हें अज तक सिख कतलोगार दे मुलजमान नूं बचाया पनपया पालिया वड्डा किया जिन्हां दे खिलाफ चशमदीद गवाह आ गए उन्हां लोगों नूं मुख्यमंत्री बनाता। कैप्टन साहब अज तक तुसीं एक वर्ड ना कमलनाथ के खिलाफ बोले ना जगदीश टाइटलर के खिलाफ बोले, हमेशा उन्होंने बचाने का बयान तुसीं देंदे रहे और उल्टा देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन RSS के खिलाफ तुसीं ऐसी टिप्पणी की है। आर्मी बैकग्राउंड तो तुसीं आंदे हो और आर्मी बैकग्राउंड का व्यक्ति यहो जी गल कर रहे बहुत दुखद है। और रही गल बॉर्डर दे जान दी, RSS होवे जां कोई भी राष्ट्रवादी संगठन, चाइना के बॉर्डर से जाकर लड़ना पेगा, अभी लड़न को तैयार हाँ। लेकिन सानू हिंदुस्तान की सेना पर विश्वास है, हिंदुस्तान की सेना और शौर्य ते और साहस ते और पराक्रम ते सानू विश्वास है। और चाइना का 40 लोगों का 40 सैनिकों का मरना साढ़े सैनिकों की बहादुरी दस रहा है। असी यहोजे बयान दे के अपने सैनिकों की बहादुरी की छोटे करने की कोशिश ना करिए। RSS देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है, हर युद्ध च हर महामारी च हर देश से मुसीबत जो आई है उदो संघ ने अपनी एक सकारात्मक भूमिका इस देश बना के रखी और काम किया। चाइना के प्रेम च जिहड़ी पार्टी अंधी हुई हुई है, जिहड़े लोग चाइना के दूतावास के लोगों नाल गुप्त मीटिंगा करते उस पार्टी नूं तो इहो ही उम्मीद सी जो बयान तुसीं दित्ता। और कैप्टन साहब जिस मैडम की तुम दास्ता कर रहे हो, जिस युवराज की दास्ता कर रहे हो, यह लोग ने जो सेना को शहीदों को देश के वीर सैनिकों को हिसाब मंग रहे थे, बालाकोट का आतंकवादी की लाशों का हिसाब मंग रहे थे, इन्हों की दास्ता कर रहे हो। और याद करो जड़ा बाटला कांड होया सी, श्रीमती सोनिया गांधी नूं आंसू आ गए सी आतंकवादियों ने मरण दे, देश दे वीर सैनिकां दी शहादत ते कदी आंसू नहीं आए। उन्हां दी दास्तां सी कर रहे हैं, उन्होंने कुछ करना चाह रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं भारत दे वीर सैनिकां नूं, देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन नूं।